अगर हम इस दुनिया के सबसे बेस्ट एथलीट्स की बात करें तो 15 मिनट की फाइट के बाद उनका चेहरा कुछ इस तरह का हो जाता है। और क्या कभी आपने इस बात को नोटिस किया है कि आज तक आपने जितनी भी ईगल्स की तस्वीरें देखी हैं, वो सभी पिक्चर्स आपने साइड से देखी हैं। आपने कभी भी किसी बाज का फ्रंट व्यू नहीं देखा होगा। और इस औरत से मिलिए, इसका नाम वेरोनिका था, लेकिन इस औरत की आंखों के अंदर एक ऐसी खास बात थी जो आज तक हमें किसी भी और इंसान के अंदर नहीं मिली। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक ये वीडियो खत्म होगी आपके दिमाग के अंदर इतनी ज्यादा कैलकुलेशंस हो चुकी होंगी जितनी एक सुपर कंप्यूटर को करने के लिए लगभग 5 साल का वक्त लगेगा। और जब ये वीडियो खत्म होगी तो हमारी धरती यूनिवर्स के अंदर लगभग 10,000 किलोमीटर और आगे बढ़ चुकी होगी। और जब ये वीडियो खत्म होगी, हमारी धरती पर से लगभग 5,000 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। फैक्ट नंबर 15, आज से लगभग 15 करोड़ साल पहले जब हमारी धरती के ऊपर डायनासोर्स घूमा करते थे, उस वक्त हमारी धरती के ऊपर एक साल लगभग 370 दिनों का हुआ करता था और उस समय एक दिन के अंदर लगभग 23 घंटे होते थे। दरअसल वक्त बीतने के साथ हमारी धरती की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है और आने वाले कुछ करोड़ सालों के अंदर हमारी धरती के ऊपर दिन लगभग 25 घंटों का हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने लंबे समय तक हमारी धरती बचने वाली है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है कि हमारे इंडिया के अंदर चप्पल पहनकर बाइक चलाना इलीगल है? मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन अगर हम रूल्स के मुताबिक चलते हैं तो चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए अगर कोई इंसान पकड़ा जाता है तो उसको लगभग 1,000 रुपए का जुर्माना और लगभग 15 दिन की जेल हो सकती है। लेकिन मैंने आज तक ऐसे किसी भी इंसान को नहीं देखा जिसको चप्पल पहनकर बाइक चलाने की वजह से जेल हुई हो, क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया तो हमारा लगभग आधे से ज्यादा इंडिया जेल के अंदर बंद हो जाएगा। फैक्ट नंबर 13, जब भी हम कभी कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर जो पिक्चर बनती है वो कुछ इस तरह की होती है। आपने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ही बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स को भी देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने इस दुनिया के सबसे छोटे कंप्यूटर के बारे में सुना है? हमारी धरती के ऊपर मौजूद इस दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर इतना ज्यादा छोटा है कि उसके सामने एक चींटी भी बड़ी दिखाई देती है। इस फोटो को देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये कंप्यूटर कितना ज्यादा छोटा होगा, क्योंकि इसके साथ जो चीज पड़ी हुई है दरअसल वो एक चावल का दाना है। फैक्ट नंबर 12, अभी आप जिस स्टैचू को देख रहे हो, इस स्टैचू का नाम एंजल ऑफ डेथ रखा गया है। इसके पीछे का कारण ये है कि क्योंकि इस स्टैचू को बनाने के लिए लगभग 5,000 से ज्यादा चाकुओं का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये कोई ऐसे वैसे चाकू नहीं थे, क्योंकि इस स्टैचू को बनाने के लिए जिन चाकुओं का इस्तेमाल किया गया है उन सभी चाकुओं की मदद से किसी न किसी इंसान की मौत हुई है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हो कि अभी आप जिस वीडियो को देख रहे हो ये नॉर्वे की है, लेकिन यहाँ पर रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सूरज निकला हुआ है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो नॉर्वे है वो नॉर्थ पोल के बहुत ही ज्यादा पास है, तो साल के अंदर ऐसे बहुत सारे महीने होते हैं जब यहाँ पर बिल्कुल भी रात नहीं होती, क्योंकि धरती का ये वाला हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई महीनों तक रात ही नहीं होती। फैक्ट नंबर 10, अभी आप जिस पत्थर को देख रहे हो दरअसल ये एक मीटियोर है, लेकिन इस मीटियोर की सबसे खास बात ये है कि ये लगभग 4.5 बिलियन साल पुराना है। इसका मतलब जब हमारा यूनिवर्स बना भी नहीं था उस वक्त भी ये मीटियोर स्पेस के अंदर घूम रहा था, और इस मीटियोर का नाम फुकेंग मीटियोर है, क्योंकि इस पत्थर को चाइना के अंदर सन 2000 के अंदर ढूंढा गया था। फैक्ट नंबर 9, आज से लगभग 1000 साल पहले भारत के अंदर बनाए गए जो तालाब हुआ करते थे वो आज भी सही कंडीशन के अंदर हैं, लेकिन उस समय इन सभी का इस्तेमाल सिर्फ शाही लोग ही कर सकते थे, आम लोगों को इसके अंदर जाने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। फैक्ट नंबर 8, अभी कुछ ही समय पहले वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका से एक ऐसा फॉसिल मिला है जिसकी स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि ये फॉसिल लगभग 7 करोड़ साल पुराना है, और ये फॉसिल किसी ऐसे जानवर का था जिसका साइज एक ब्लू व्हेल से लगभग 20 गुना था। फैक्ट नंबर 7, आपने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे नॉर्मल पेड़ तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने अपनी लाइफ के अंदर किसी उल्टे पेड़ को देखा है जो कुछ इस तरह का दिखाई देता हो? आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कौन सी खास बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी पेड़ का उल्टा उगना बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है, और इस तरह के पेड़ आमतौर पर हमेशा गुफाओं के अंदर ही मिलते हैं। फैक्ट नंबर 6, बंगाल टाइगर को इस दुनिया के सबसे बड़े टाइगर्स में से एक माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर एक ऐसा टाइगर भी पाया जाता है जिसको गोल्डन टाइगर कहा जाता है, और वो टाइगर इस दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत टाइगर्स में से एक है, क्योंकि वो टाइगर देखने में कुछ इस तरह का लगता है, और ये टाइगर इस दुनिया के सबसे ज्यादा रेयर एनिमल्स में से एक है। फैक्ट नंबर 5, आपने अपनी जिंदगी के अंदर न जाने कितनी ईगल्स की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आपने जितनी भी तस्वीर देखी होंगी उसमें से ज्यादातर जो ईगल होगी वो आपको हमेशा साइड व्यू से ही देखी होगी, क्योंकि सामने से अगर आप किसी ईगल को देखोगे तो वो कुछ इस तरह की दिखाई देगी जो पिक्चर के लिए ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। यही वो कारण है जिसकी वजह से जितने भी फोटोग्राफर होते हैं वो सभी ईगल की साइड से पिक्चर खींचते हैं। फैक्ट नंबर 4, ज्यादातर लोग तो ये मानते हैं कि आने वाले 30 साल के अंदर हमारी धरती की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन आपने इलॉन मस्क का नाम तो जरूर सुना होगा। इन्होंने ये प्रेडिक्शन की है कि आने वाले 30 साल के अंदर हमारी पॉपुलेशन 8 बिलियन से कम होकर सिर्फ 3 बिलियन रह जाएगी, क्योंकि इलॉन मस्क का ये मानना है कि आजकल के समय के अंदर लोग अपनी फैमिलीज को ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आने वाले वक्त के अंदर जो पॉपुलेशन के अंदर गिरावट है वो बहुत ही बड़े लेवल पर होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या आपको लग रहा है कि ये बात सही है? फैक्ट नंबर 3, आपने किसी न किसी मूवी के अंदर वोल्केनो तो जरूर देखा होगा जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन आमतौर पर हम जो वोल्केनो देखते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं।
रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे वोल्केन को देखा है जिसका लावा ब्लू कलर का हो, जो देखने में कुछ इस तरह का होता है? दरअसल दोस्तों, इंडोनेशिया के अंदर एक इस तरह के वोल्केनोस पाए जाते हैं जिनके अंदर सल्फर की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, और जब सल्फर को जलाया जाता है तो उसका कलर ब्लू होता है। यही वो कारण है जिसकी वजह से ये लावा ब्लू कलर का दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 2, इस लड़की से मिली है। इस लड़की का नाम वेरोनिका था, लेकिन इस लड़की की सबसे खास बात यह है कि इसकी जो आंखें थी वो नॉर्मल आंखें नहीं थी, क्योंकि इस लड़की की आंखों की शक्ति एक नॉर्मल इंसान से लगभग 25 गुना ज्यादा थी। मतलब ये लड़की लगभग 1 किलोमीटर दूर खड़े इंसान को बहुत ही आसानी के साथ पहचान सकती थी, और इस लड़की का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी लिखा गया है। फैक्ट नंबर 1, बॉक्सिंग या UFC जैसी फाइट्स सुने की सबसे ज्यादा खतरनाक फाइट्स में से एक मानी जाती है। अब ये फाइट्स कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, इस बात का अंदाजा आप इस पिक्चर को देखकर लगा सकते हो। ये इंसान इस मैच का विनर था। इसको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते होगे कि अगर विनर का हाल कुछ इस तरह का होगा तो अब जरा सोचकर देखिए जो इंसान हारा होगा उसका क्या हाल हुआ होगा। ना ही मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।